बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। चिनाब कॉलोनी पुरखू में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि एक तो बिजली विभाग वाले कम वोल्टेज बिजली छोड़ते हैं, ऊपर से सारा दिन बिजली के लंबे कट लगे रहते हैं, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि हमारी बिजली कटौती की समस्या का समाधान निकाला जाए, ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। परेशानी सर, साड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, 150 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर सर कहना, और 60 और 70 के बीच वोल्टेज है। गर्मियों में ना टीवी चल रहे, ना फ्रिज चल रहे, कुछ नहीं चल रहे। इतनी प्रॉब्लम है कि कोई सुनता नहीं। हमारी गवर्नमेंट के आगे हमारी ये अपील है कि अगर बाकी जगह हर जगह केबलिंग हो गई है, मगर इधर के लिए कोई ना प्रोजेक्ट ही नहीं अभी तक इनका तैयार हो रहा है। अगर डिपार्टमेंट के पास जाए, बोला प्रोसेस में डाला हुआ, प्रोसेस इनका कब तैयार होगा? इधर 5-6 साल से यही हाल है सर लाइट का। और हम डिफेंस में, डिफेंस वाले इधर मैक्सिमम बंदे डिफेंस वाले, और कोई सुन के प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाहर जाओ उधर भी प्रॉब्लम, इधर आओ घर में आओ इधर भी प्रॉब्लम। डिफेंस वालों का आर्मी पर्सन के लिए लाइट तो आजकल गवर्नमेंट हर जगह दे रही है सर। बाकी इधर और जे एंड के जम्मू सिटी से टोटल 13 किलोमीटर दूर है, इधर लाइट की प्रॉब्लम तो बाकी गाँव में क्या हालत होगी? आपने देखा ये खंबे, अगर आदमी ऐसे हाथ करे तो तार के साथ छोड़े, अगर कोई किसी की डेथ होगी तो कौन जवाब देगा? फिर महकमा क्या बोलेगा? फिर वो देगा उसका जवाब? कोई नहीं देगा सर। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हमारी एलजी साहब से यही है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, नहीं तो फिर हम इसका बाद में और प्रोटेस्ट करेंगे, रोड बंद करेंगे सर। हमारा यही, अगर हमारी कोई तो सुनवाई हो, हम क्या बोल नहीं दे रहे? हम इंडिया के रहने वाले नहीं है? हर जगह आजकल लाइट और पानी का बंदोबस्त है, गवर्नमेंट है, पीएम योजना तो काम चल रहे। बाकी चारों साइड लाइन होगी, मगर इस 60-70 घर क्यों छोड़े? इसका कोई कहना ये बोर्ड नहीं दे रही, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इसका कम से कम जल्दी से जल्दी इसका वो करे। अभी गर्मी निकल गई, अभी बारिश हुई है, तब अभी 100 वोल्टेज कोई चेक तो करे आके पता लगे। हम बिल दे रहे हैं सर, मीटर घर में लगाए, फिर भी हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम बिल नहीं दे रहे हैं, तभी गवर्नमेंट बोल सकती है कि मुलाजिम बोल सकता है कि आप बिल नहीं दे रहे हो। चिनाब कॉलोनी पड़ती है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी और बिजली की है। हम सुनते थे कि हाँ जी, वो अभी हमारे देश में अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली और पानी नहीं है। हम प्रैक्टिकली वो चीज अब फेस कर रहे हैं कि हाँ सच में ऐसा होता है, और उसके बिना लाइफ कैसी होती है? पानी के, बिजली के बिना पंखे नहीं चलते, लाइट ढंग से नहीं चलती। वही जैसे ये अभी अभी हमारे भाई साहब ने बोला है कि 60, 70, 80 ऐसी वोल्टेज आती है, ये बिल्कुल सच है। 60 हम तो सारा दिन यही देखते हैं जब हम घर में होते हैं। मैं भी सर्विस में हूँ, मैं आर्मी स्कूल में जॉब करती हूँ। अगर हम शाम को घर पहुंचते हैं, शाम को घर पहुंचेंगे, अगर बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, हम अगले दिन ड्यूटी कैसे करेंगे? हमने भी तो आगे जाके ड्यूटी करनी है ना। हम भी सोचते हैं घर जाके थोड़ा सा आराम करेंगे, अगले दिन ड्यूटी पे जाएंगे। हम जो ड्यूटी करते हैं उनको समस्या, बच्चे जो पढ़ने वाले उनको समस्या, वो सारा दिन तड़पते रहते हैं, हाय गर्मी हाय गर्मी। हम उनको कैसे पढ़ने के लिए बिठाएं? तो मम्मी बैठे कैसे? मम्मी बड़ी गर्मी, पंखा नहीं चल रहा, चीजें फ्रिज में कूलिंग नहीं होती, सारा सामान खराब हो जाता है, बिजली नहीं आती, सारा सामान भर भर के बाहर फेंके। कोई समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी बिजली की वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे कौन सा टाइम है, जम्मू में हम लोगों का ये हाल है तो जो पिछड़े गांव है उनका क्या हाल होगा? मतलब ये कौन सी जगह है? ये तो ऐसी इतनी पिछड़ी जगह भी नहीं है कि यहाँ पे इतनी समस्या। जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे हमारी यही अपील है कि कृपया हमारे ऊपर भी थोड़ा सा बिजली पानी की समस्या पे ध्यान दें, ताकि हम भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके। क्यों, हमें भी ड्यूटीज करनी होती है। हम भी अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो सर्विंग द नेशन इनडायरेक्टली। अगर हस्बैंड बैंक में है वो भी कर रहे हैं, कोई आर्मी में है वो भी कर रहा है, देश की सेवा कर रहे हैं ना अलग अलग तरीकों से। तो देश का भी कोई फर्ज बनता है कि वो भी अपनी जनता का थोड़ा बहुत ध्यान रखे, ठीक है ना। तो हमारी यही अपील है उनसे कि कृपया जो बेसिक नीड्स है, हम कुछ नहीं मांग रहे उनसे, और बस ये जो बेसिक नीड है कि कम से कम हम ड्यूटी ढंग से कर सके, घर में बच्चे पढ़ाई कर सके, तो उसके लिए हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है बिजली पानी की, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकोट कंस्ट्रक्शन, यहाँ मिलेगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें।
शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट, हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।